वो अपने आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ एक षड्यंत्र अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी कामयाब हुई उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्य किया किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो उसके अंतर्गत सूरत सूरत का केस जो था एक साल पुराना रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट रोक खुद नहीं लगवाई थी उस केस को वापस हाईकोर्ट में अप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फान में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको वो षड्य था और मैं समझता हूँ कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है चाहे तो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है इसको नहीं भूलना चाहिए मुझे बहुत खुशी है कि आए पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर तो बी सी के हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे और आज मैं कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमकम के साथ में उनका नाम राहुल गांधी है यदि कह सकता हूँ